जीएल पब्लिक स्कूल कनीना एक निजी संस्था है जिसकी स्कूल बस आज एक्सीडेंट हो गई है। ओवर स्पीड और नशे की हालत में ड्राइवर को बताया गया है। वहीं देखिए बस की हालात, आप देख सकते हैं किस तरह से इस बस की क्षतिग्रस्त हुई है। बस के जो नंबर है इसके ऊपर लिखे हुए हैं, साथ ही बस आगे से पहले एक्सीडेंट हुई है, फिर उसके बाद पीछे से बच्चे जो इसके अंदर अटके हुए थे उनको बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। ये वो बस है जो आगे से टकराई थी, जिसके बाद आप पूरी बस को देखिए, पीछे तक चले जाइए, बस को तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला गया है। साथ ही जो बच्चे थे उनमें से 6 बच्चों की बताया जा रहा है कि डेथ हो चुकी है, और कुछ बच्चे जो है दर्जन भर से ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बस की हालात बिल्कुल आप देखें किस तरह से है ये, और इस बस को मौके से हटाकर अब दूसरी जगह लाकर खड़ा कर दिया गया। आपको बस के अंदर लेके चलते, देखिए बस के अंदर के किस तरह से स्थिति है। बस जो है यहाँ, इस बस को देखिए, ये जो ड्राइवर की थी, यहाँ किसी प्रकार की कोई सेफ्टी का जो है सामान नहीं रखा गया है, ना ही कोई फर्स्ट एड रखी गई है, ना कोई फायर का रखा गया है। और बच्चों की जो है संख्या बस में अत्यधिक बताई जा रही थी कि लगातार बस में जो संख्या थी सीटों की, उससे अधिक बच्चे बस के अंदर बैठे हुए थे। कांच के जो निशान है शीशे टूटे हुए, वो कांच के निशान भी बस के अंदर गिरे हुए हैं, टुकड़े जो है कांच के वो गिरे हुए हैं। बस की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के ऊपर भी, जिला प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है कि आज गजेटेड हॉलीडे होने के बाद क्यों संस्थाएं खोली जा रही है। तो वहीं अब ग्रामीणों ने दादरी महेंद्रगढ़ मार्ग को जाम करने की कोशिश भी की थी, जहां पुलिस प्रशासन ने आकर मौके से जाम को खुलवा दिया है। और अब पुलिस प्रशासन लगातार रोड के ऊपर गश्त कर रहा है कि बच्चों के परिजन कहीं ना कहीं उनको दुख हुआ है और रोड की जाम की स्थिति ना बन जाए। अब पुलिस प्रशासन ने इस बस को दूसरी जगह पर लाकर यहाँ खड़ा किया है, या स्कूल वालों ने, और देखना होगा कि कब तक प्रशासन इस तरह के नियमों की अवहेलना करने वाले स्कूल संचालकों पर कार्रवाई करता नजर आएगा।